तेबिंग से 24 तारीख से उर्स शुरू होगा और झंडे का क्या 20 तारीख भी मेहरोली से चल के आते हैं और हमें उम्मीद है 22 से 23 तारीख तक उनका पहला काफिला। Myra Fashions, an exclusive range of designer collection. Swami Complex and Vega Mall, Ajmer. उर्स के बारे में पहले भी दो बैठक हमने कलेक्टर साहब की अध्यक्षता में हो चुकी है और हमने ये एक अंतिम बैठक ली है, उसमें जहाँ भी कोई कमी थी, नए सजेशन आए थे, उनको सबको डिपार्टमेंट्स को निर्देश दिए हैं और हर डिपार्टमेंट वाइज हमने उसकी समीक्षा करी है और उसका पूरा डिटेल यहाँ बताना संभव नहीं है, लेकिन हम उसको प्रोसीडिंग में डाल के और सबको पाबंद किया है कि उर्स शांति व्यवस्था अच्छी बनी रहे और सुगमता से चले। जिस डिपार्टमेंट की जो ड्यूटी है उसको पूरी तरह से कागजों में ही नहीं, उसको इम्प्लीमेंट करवाएंगे और चेकिंग भी करवाएंगे। अधिकारियों कहा कि आप इसको जाके मौके पे भी देखिए और उर्स शुरू होने के बाद में एक बार कलेक्टर साहब उसका दोबारा रिव्यू करेंगे कि अच्छे से व्यवस्था चालू हो गई है नहीं हुई है, अगर नहीं होगी तो उसको दुरुस्त करवाएंगे। नहीं, पानी की व्यवस्था के बारे में यहाँ कोई चर्चा बहुत हुई है विस्तार से, लेकिन पर्टिकुलर अगर कोई पॉइंट है तो वो एक बार PHED को और दिखवा लेंगे, कलेक्टर साहब यहाँ मेरे साथ हैं, उस बात पे और बुला के उनसे बात कर लेंगे। ठीक, थैंक यू जी। देखिए, जो 808वां जो ख्वाजा गरीब नवाज का जो उर्स है, उसकी आज जो हमारे संभागीय आयुक्त है कमिश्नर साहब ने आज मीटिंग बुलाई थी, जिसमें सभी जो डिपार्टमेंट है, जिसमें लॉ एंड ऑर्डर के लिए SP साहब थे, कलेक्टर साहब थे और बाकी जितने भी डिपार्टमेंट थे सभी के अधिकारी थे और ये बहुत अच्छे सौहार्दपूर्ण में मीटिंग हुई। और जितने भी, क्योंकि पिछली जो मीटिंग कलेक्टर साहब ने जो कायड़ में ली थी और उसके पहले भी मीटिंग हुई थी तो उसका रिव्यू हुआ है, कुछ जो कमियां थी, क्योंकि पिछली बार डेडलाइन जो 15 तारीख दी थी तो मैक्सिमम काम हो गए हैं और कुछ कामों को और जो कुछ कमियां बताई गई है हमारी तरफ से, तो उसमें जो संबंधित जो डिपार्टमेंट थे उन्होंने हमको एश्योर किया है कि उन कामों को बिल्कुल अच्छे से वो कर देंगे और हम लोग लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। प्रशासन पूरी तरीके से सहयोग कर रहा है, सरकारों का सहयोग है, चाहे राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, और ख़ास तौर से मैं संभागीय आयुक्त साहब, कलेक्टर साहब, SP साहब और तमाम जो संबंधित जो डिपार्टमेंट के लोग हैं, आज हमारे यहाँ पे अंजुमन जो दोनों सैयद जादगान और शेख जादगान और दीवान साहब के भी प्रतिनिधित्व के रूप में सब लोग थे, हमारे दरगाह कमेटी के सदस्य भी थे, तो सब ने एक इस उर्स को 808वें उर्स को किस तरीके से जो जायरीन पूरे मुल्क भर से दुनिया भर से आएंगे उनको बेहतर इंतजाम दिए जाए, उनको कोई तकलीफ ना हो, उनको कोई परेशानी ना हो, उसके लिए चाहे ट्रेन से, रोडवेज, कायड़ या जो भी डिपार्टमेंट है, जितने भी, चाहे PHD है, लाइट डिपार्टमेंट है, रोडवेज है, सब पे एक एक विस्तार से डिस्कशन हुआ। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो 808वां उर्स है इसमें आने वाले पूरी दुनिया से जो जायरीन आएंगे उनको कोई तकलीफ ना हो, उसके लिए प्रशासन, दरगाह कमेटी और जो भी हमारे संबंधित जो लोग हैं, चाहे अंजुमन हो या उन सब का हमको सहयोग रहेगा और हम बेहतर से बेहतर इसको करवाने की कोशिश करेंगे। देखिए, कल्चर प्रोग्राम हमने लास्ट ईयर से शुरू कर दिए थे और इस बार भी जो हमने लास्ट ईयर जो हमने डोम बनाए थे, कुछ हमारा परमानेंट स्ट्रक्चर भी बन गया है, हमने टॉयलेट्स की संख्या बढ़ा दी है और जो वहाँ पे जो लंगर लगेंगे उनको भी बहुत अच्छे से पूरा सिस्टेमेटिक तरीके से हम लोग कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि अभी तक जितने भी उर्स हुए उसमें सबसे बेहतर उर्स ये रहेगा, हाइजेनिक हमने उसको करने की कोशिश की है और जो डिपार्टमेंट है उनको कहा है, चाहे फूड डिपार्टमेंट हो या और भी, वो मॉनिटरिंग करेंगे ताकि खानों का ध्यान रखा जाए। हमने CMHO साहब से भी बात की है तो CMHO साहब फॉगिंग कराना, और क्योंकि वायरल चल रहे हैं, डेंगू है और भी, तो उनकी रोकथाम के लिए भी फॉगिंग करने का CMHO साहब वहाँ पे, मेडिकल टीम भी अलर्ट रहेगी, उन सब पे काम हुआ है। और हमने जैसे बताया था लास्ट टाइम के, हमने हमारी एक वैन जो मलंग जो आएंगे कुतुबुद्दीन वहाँ से बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह की जो दरगाह है दिल्ली के अंदर मेहरोली शरीफ से जो आएंगे, तो उनके लिए भी हमने एक मेडिकल टीम हमारी भेजी है, वो पूरी उनके रास्ते में साथ चलेगी और उसके लिए भी कि उनको कोई तकलीफ हो तो हम रास्ते में भी उनके लिए इंतजाम कराएंगे। राज्य सरकार दोनों से हमने मांग की थी लेकिन उन्होंने, ये एक अच्छी बात है कि डायरेक्शन दे दिए और नगर निगम और ADA जो पैसा खर्च करने में कहीं ना कहीं वो बीच में लास्ट टाइम पे जो अपनी परेशानी बता रहा था, इस बार उन्होंने दिल खोलकर काम करने के लिए हमको सपोर्ट किया है, तो उसके लिए हम राज्य सरकार का भी धन्यवाद देते हैं और केंद्र सरकार भी उसकी पूरी तरीके से, जो हमारे मिनिस्टर है अकलेती मामलात के मिनिस्टर मुख्तार अब्बास नकवी साहब,
वो लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हम प्रधानमंत्री जी की से चार्टर लेने भी जा रहे हैं और उनसे भी हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आने वाले उर्सों के अंदर बजट दिया जाए ताकि कायड़ के अंदर हम अभी जैसे सांसद को उससे पैसा लेके वहाँ पे काम करवा रहे हैं, भारत सरकार और कुछ पैसा दे ताकि, और राज्य सरकार भी सहयोग करे तो कायड़ में और भी वहाँ पे बुनियादी मतलब परमानेंट वहाँ पे स्ट्रक्चर हम बना सकें। बिल्कुल अभी कोई इतला नहीं आई है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पार्ट है, अभी हमको इतला अगर वहाँ से कोई आएगा तो हम उनका खैर मकदम करेंगे।